हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में NFL बोलते हैं, उसका जो JEE का जो पोस्ट आया था, जिसका एग्जाम हो चुका है, उसके रिजल्ट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और हम आपको बताने वाले हैं RRB NTPC का जो रिजल्ट आउट हो चुका है, उसको कैसे डाउनलोड करना है, स्कोर कार्ड और कितना कट ऑफ गया है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहेंगे कि इसका जो कट ऑफ वो बहुत ज़्यादा हाई गया है, और हम इसकी 100% गारंटी लेते हैं कि इसका आंदोलन होगा। तो इससे जुड़ी वीडियो हम लोग वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। तो चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के रिजल्ट के बारे में जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो भी नए हमारे यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरा हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहेगी। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से जुड़ी जो रिजल्ट आने की डेट जो बताए थे, उसके बारे में बताने वाले हैं, और इसके कट ऑफ के बारे में इससे पहले ही हम एक वीडियो बना चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं वे हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसमें हम बताने वाले हैं JEE नन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का जितना भी है उसके रिजल्ट के बारे में, और इसमें बताने वाले हैं जूनियर इंजीनियर JEE असिस्टेंट ग्रेड 2, प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन अटेंडेंट ग्रेड 1, टेक्नीशियन और जितने भी पोस्ट थे सभी के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, इसके बारे में जो हम इसके जो बड़े अधिकारी थे उनसे बात किए, तो वो बोले 15 से लेकर 20 जनवरी के बीच रिजल्ट आने की संभावना है। देखिए, इसके बारे में हम वीडियो इससे पहले भी बना चुके हैं रिजल्ट से जुड़ी, और आज भी हम वही बोलते हैं कि यह इसका जो रिजल्ट आने का डेट है वो 15 से लेकर 20 जनवरी के बीच आने वाला है। तो हाल ही में देखिए, आज हम पहले 15 से 20 जनवरी के बीच में हम लोग देख लेते हैं, अगर रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम फिर उनसे जाकर मिलते हैं और कोरोना से जुड़ी सारी अपडेट के बारे में उनसे पूछते हैं कि क्या कोरोना के कारण इस पोस्ट के रिजल्ट आने में देरी हो सकती है। तो पहले हम 15 से 20 तक वेट कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इसमें RRB NTPC रिजल्ट से जुड़ी जानकारी के बारे में। तो चलिए, उसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे उसका रिजल्ट चेक करना है, उसके बाद बताने वाले हैं कि मार्स कैसे डाउनलोड करना है। और NFL के रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रूफ भी बताने वाले हैं कि कैसे इसका रिजल्ट 15 से 20 के बीच में आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है सरकारी रिजल्ट। तो चलिए सरकारी रिजल्ट लिख लेते हैं। उसका जो फर्स्ट यहाँ पे पेज आएगा ऑफिशियल, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, और यहाँ पे मिल जाएगा रेलवे RRB NTPC स्टेज 1 रिजल्ट आउट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर नीचे आ जाना है, और देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे कट ऑफ, जो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे जोन वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, और बहुत सारा ऐसा है जिसका भी आना बाकी है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो कट ऑफ है यहाँ पे देख सकते हैं, मुंबई का कट ऑफ, पटना का भी दिया हुआ है। तो इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, इस कारण से हम बताना चाहेंगे कि इस बार जो इतना हाई जाने का क्या कारण है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, और इसकी हम गारंटी लेते हैं कि आंदोलन 100% होगा ही होगा। उसके बाद आपका जो पिछले बार भी टेक्नीशियन में ऐसे ही हुआ था कि आंदोलन होने के बाद सिर्फ 50% मार्स वाले को सभी का CVT 2 के लिए क्वालिफाइड कर दिया गया था, इस बार भी वैसा ही होगा। जिनको भी 50% मार्स है उनका सभी का यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड जरूर CVT 2 के लिए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं NFL रिजल्ट से जुड़ी जानकारी के बारे में। तो देखिए, आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, वहाँ पे लिखना है NFL ऑफिशियल वेबसाइट। तो उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आप लोग आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है जिसके द्वारा आप लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात किए, ये तो फर्स्ट टाइम में नंबर कॉल उठाते नहीं है, लेकिन 2-4 बार करने के बाद जब फ़ोन उठाएंगे तो इनसे हम जानकारी लिए कि वो रिजल्ट इसका जो है कब तक आ सकता है। और इसका रिजल्ट जो है वो 1 महीना के अंदर ही आ जाता था, लेकिन इस बार बहुत देरी हो रहा है, जिसके कारण वो बताए 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आने का 90% चांस है। अगर इस डेट में नहीं आ पाया तो फिक्स है कि
फरवरी के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट 99% चांस है कि आ जाएगा। तो देखिए, हम आप भी यहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसमें आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे ऑफिशियल साइट जो है यहाँ पे आप लोग चेक करते रहिएगा, जब भी रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सारे यहाँ पे जितना भी है यहाँ पे इनका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले हम आप तक लेते आएंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।